नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और उसका एक फ़ायदे की। इन्वेस्टमेंट का और जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट कर सकेंगे उसका फ़ायदा क्या होता है, उससे पहले समझते हैं। बेसिकली जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही जल्दी उस पर कंपाउंडिंग इफेक्ट लगने लग जाएगा और उतनी ही जल्दी आपको लेटेस्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ में उतना ही ज़्यादा आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए काम करने लगता है, मनी स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू। एंड जब मनी आपके लिए काम करने लग जाता है और आपके इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करने लग जाते हैं, एंड आपको एक जो आपके सेट ऑफ माइंड में रहता है कि ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, उससे ज़्यादा आपको रिटर्न आने लग जाता है। सो बेस्ट पार्ट उस टाइम पे ये होता है, आपका मेंटल स्टेटस बहुत ही अच्छा हो जाता है। यू फील हैप्पी, यू डोंट गेट अनॉयड वेरी ईजली, एंड यू स्टार्ट इन्जॉइंग लाइफ विद अ डिफरेंट सेट स्टेटस ऑफ माइंड। मैं ये कहूँगा हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड से आप लाइफ को इन्जॉय करने लग जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं फाइनेंशियल फ्रीडम बताता हूँ या करता हूँ कि आपको चीज़ें छोड़नी है। कहने का मतलब है फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग हमसे बात, उनको ये समझ में आता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिली तो हम सब कुछ छोड़ के घूमने निकल जाएंगे। वो सब आप कर सकते हैं, उससे पहले जब आपके एक्सपेंसेस के बराबर आपके अर्निंग नहीं हो रही है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको नहीं मिल पाया है, उससे पहले भी जब आपकी थोड़ी थोड़ी भी अर्निंग होने लग जाती है आपके इन्वेस्टमेंट से, तो आप एक बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में जाने लग जाते हैं। आप हैप्पी होने लग जाते हैं, यू स्टार्ट फीलिंग गुड। और इसका इम्पैक्ट कैसे आता है, इसकी अच्छाई क्या होती है, लेट्स अज्यूम आप किसी जॉब में हैं एंड आपका एक सर्टेन फिक्स सैलरी है जो आपको मिल रही है, लेकिन जब आपकी ये एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम से आपको थोड़ी बहुत इनकम होने लग जाती है, थोड़ा सा आप उधर अर्न करने लग जाते हैं, सो आप कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, बट आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं या जो अपने डिमांड हैं या जो आप कुछ कहीं पैसा खर्च करना चाहते हैं उसका प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है सबकॉन्शियस माइंड में, एंड वो आपके उसकी EMI का आधा पार्ट पे कर देगा या आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसका वो टिकट का खर्चा दे देगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, तो आप क्रिबिंग अपने जो नेचर होता है उससे आप हट जाते हैं। अगर मैं बताऊं कि ऑफिस में फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरा स्टाइल है उससे मैंने देखा है कि जब मैं इंडिया में काम करता था तो देयर वर टू सेट्स ऑफ माइंड्स दैट वर वर्किंग। एक होते थे जिनके लिए सैलरी हमेशा कम होती है, ओके, सैलरी बढ़नी चाहिए, वो आई एग्री एक स्टेट ऑफ माइंड होता है सैलरी। और एक वो होते थे जो बेसिकली सैलरी कम है कहेंगे, लेकिन बट दे वर वेरी हैप्पी। जब उनको मैंने समझने की कोशिश की तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, जो क्रिप करते हैं जिनके लिए हमेशा एक फिक्स इनकम है, जो सैलरी है वो हमेशा कम लगती है, रीज़न बीइंग क्योंकि इन्फ्लेशन हिट कर रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपके फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं, आपको पैसा ज़्यादा चाहिए, सो आपकी जो फिक्स इनकम है वो आपको पिंच करने लग जाती है, एंड दैट्स व्हाई यू स्टार्ट वांटिंग मोर कि मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मुझे ज़्यादा पैसा होना चाहिए, एंड यू स्टार्ट क्रिबिंग विदाउट नोइंग यू स्टार्ट क्रिबिंग अबाउट द जॉब। वहीं एक दूसरे सेट ऑफ लोगों को मैं देखता हूँ जिनकी भी लगभग वही समझ लीजिए अगर सैलरी है, ये एग्जांपल है कि उतनी ही सैलरी है, बट दे आर हैप्पी, दे विल इन्जॉय, दे विल गो। डिफरेंस क्या है कि उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उनकी सेकेंडरी इनकम कहीं से आ रही है, उनको डिविडेंड इनकम आ रही है, उनके इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रहे हैं, वट एवर द रीज़न माइट बी, उनके कहीं और से एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, रेंटल भी हो सकता है। सो वो क्रिबिंग स्टेज में नहीं जाते हैं, वो जॉब को इन्जॉय कर रहे होते हैं, वो जॉब में ज़्यादा हैप्पी होते हैं, उनका एटमॉस्फेयर उनके पास से पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं, रीज़न बीइंग क्योंकि वो फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल हैं, उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो कई जगह से नीड उनकी पूरी हो रही है, और वो एक मेंटल स्ट्रेस पे नहीं जा रहे हैं कि अगर यहाँ इतना इंक्रीमेंट नहीं मिला, इतना बोनस नहीं मिला तो हम प्रेशर में आ जाएंगे। जब उनके ऊपर दिमाग में ये प्रेशर नहीं होता है सो दे स्टार्ट इन्जॉइंग लाइफ, क्योंकि उनके ऊपर इन्फ्लेशन या कोई डिज़ायर नहीं आती है कि मुझे इतना बोनस मिलना चाहिए या इतना इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, नहीं तो फिर क्योंकि उस पर उनका कोई सपने ज़्यादा नहीं बने हुए हैं, क्योंकि उनकी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है, सो दे इन्जॉय द जॉब मोर। सो मेरा ये मानना है आप किसी भी चीज़ में, आप जॉब में हो, आप बिजनेस में हो, आप कहीं भी हैं, एक सोर्स ऑफ इनकम को हटा के
अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, आपको चाहे डिविडेंड इनकम आए, चाहे आपकी बेसिकली रेंटल इनकम आए, आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और वहाँ से जब रिटर्न आने लग जाएंगे तो आप जो करंट सिचुएशन है, जो करंट जॉब है, करंट बिजनेस है, वो भी आप इन्जॉय करेंगे एंड देन यू विल रियली इन्जॉय लाइफ। सो मेरा सिंसियर आप लोग को यही सजेशन है कि अगर हो सके जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट करिए, जितनी जल्दी हो सके फाइनेंशियल या मनी मैटर्स को समझिए, जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंशियल मैटर्स को समझते हुए सेकेंड या थर्ड इनकम जनरेट करने की कोशिश करिए। वो आपको एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में ले जाएगा, एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में ले जाएगा एंड देन यू विल रियली स्टार्ट इन्जॉइंग लाइफ, योर जॉब, योर बिजनेस एंड एवरीथिंग। आई होप आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जब आपके सेकेंडरी इनकम या टर्शरी इनकम आती है या आपके 2-3 सोर्स ऑफ इनकम हो जाते हैं, सो यू जस्ट गो इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड एंड यू स्टार्ट इन्जॉइंग लाइफ एंड यू स्टॉप क्रिबिंग, यू स्टॉप कंप्लेनिंग। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो मैं सबको बताना चाहता हूँ। थैंक यू।